घर में कोई भी शुभ काम हो तो किन्नरों को बुलाया जाता है। माना जाता है कि उनकी दुआ में वो असर होता है जो हर बिगड़ा काम बना दे। किन्नर जो आपकी खुशियों को दोगुना करते हैं, लेकिन कभी अपनी खुशियों और दर्द में किसी को शरीक नहीं करते। किन्नरों का अंतिम संस्कार सबसे छुपाकर किया जाता है, साथ ही उनकी मौत पर जश्न भी मनाया जाता है। लेकिन क्यों? आखिर कोई किसी की मौत हो जाने पर जश्न कैसे मना सकता है? किन्नर समाज की पूरी दुनिया ही अलग होती है। उनके रहन सहन से लेकर अंतिम संस्कार तक सब कुछ अलग ही होता है। यही वजह है कि जब किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा का आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है, साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नरक जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव आरावन को धन्यवाद देते हैं, साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दे। इसके अलावा दान पुण्य भी किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं, जिससे यदि उसने कोई पाप किया हो तो उसका प्रायश्चित हो जाए। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, यह हमेशा रात को ही निकालते हैं। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि किन्नरों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। इसके अलावा बताया जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो यह कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं, और इस दौरान वह सिर्फ पानी ही पीते हैं एवं ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वह किन्नर ना बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरणासन किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है।